एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं नाइट का डिनर बनाने वाली हूँ और पापा आज उपास है, तो पापा के लिए स्पेशली मैं गाजर का हलवा और रोटी बना रही हूँ। और यहाँ मम्मी अपने आप को आईने में देख रही है, तैयार हो रही है। सिंदूर देखो आपका, बहुत गर्मी है गाइस, इसलिए सिंदूर पसीना से टपक टपक के पूरा यहाँ पे निशान बन गया रेड रेड, क्योंकि दो बार नहाना पड़ रहा है। गर्मी तो चल रहा है, आपको भी पता है गर्मी से सब बेहाल हो चुके हैं। तो अभी फटाफट से किचन में जाती हूँ और तैयारी करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कीस के रखा हुआ है, तो मैं इसमें अभी कढ़ाई रख दिया है, मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दी। गाजर डाल के पहले भूनो। मैं इसे चम्मच भी कहाँ पे रखूं, घी लगा हुआ है, तो इस गाजर को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो पापा कंपनी से आ चुके हैं, अपना जूता को रख रहे हैं वहाँ पे। बारिश में गीला हो गया, बारिश में गीला हो गया पापा, देखो पैंट जगह ज्यादा गीला हो गया। तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश का एक बूंद नहीं टपका है, लेकिन एक बारिश का एक बूंद नहीं टपका जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन जहाँ से आ रहे थे वहाँ पे भयंकर बारिश हो रहा है और कुत्ते सब भयंकर भोंक रहे हैं ताकि मेरा ब्लॉग खराब कर। तो यहाँ मैं इसे सेक रही हूँ, आप जितना सेकेंगे उतना ये स्वादिष्ट बनेगा। मम्मी का आई ड्रॉप नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बोले पापा को कि नया लेके आ जाओ। तो है कि आप नया आई ड्रॉप्स लेके आओगे तो पुराना वाला मिल जाता है, तो 2-4 दिन बाद हमें वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन नया अभी ज़रूरत था तो हम लेके आ गए। यहाँ मम्मी शक्कर डाल रही है, कितना चम्मच डालेंगे? 2 लोग के लिए बन रहा है गाजर का हलवा। कितना शक्कर, कितना चम्मच? 2 लोगों के लिए 2 चम्मच शक्कर। तो इसमें डल गया है अब दूध। मैं इधर उधर टाइम पास कर रही थी तो मम्मी बोली मैं ही डाल देती हूँ। और इतना सारा आटा गूंथ के रखाया हुआ है, 2 लोग के लिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फ्रिज में रख देंगे अगर बच जाएगा रोटी। गाजर का हलवा तो बन जाएगा कुछ 5 मिनट में, 5 मिनट बन जाएगा, 5 मिनट में बन जाएगा। अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। ये देखिए किचन का लाइट चालू कर रहे हैं, ऐसे हल्का जलता है। मुझे शूट करना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए मुझे 2 लाइट की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत स्लोली चलता है, इसे कितना भी सुधारो यही हरकत है। और यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने कॉल हल्के आँच में रख दिया था लो फ्लेम में, अब मैं इसे थोड़ा हाई फ्लेम में रखी जल्दी बन जाए करके, और मैं बेलना शुरू करती हूँ। देखिए गाइस कितना गर्मी है, कितना पसीना छूट गया मेरा, देखिए। यहाँ पे मैं बेल रही थी, बेलना ख़त्म हो गया और मम्मी सेक रही थी, देखिए मम्मी का भी कितना पसीना हो गया, पूरा हालात ख़राब है गर्मी में। और यहाँ पापा पूजा कर रहे हैं। यहाँ बन चुकी है रोटी, डालो, ये बन चुकी है रोटी। यहाँ मम्मी निकाल रही है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो फाइनली डिनर रेडी हो गया है और अब मैं खा लेती हूँ। पापा के लिए रख दिए हैं, अब टेस्ट करवाते हैं। कैसा लग रहा है पापा? और न्यूज देख रहे हैं पापा, पिल्लो के केस को आज वॉश किया, आज पिल्लो का कवर हमने धो दिया क्योंकि वीकली हम लोग चेंज करते हैं, तो इसमें मैं नया कवर लगा देती हूँ। इस झोला में रखे हुए थे नया कवर, पिलो केस इसमें हम रखे हुए थे, धो के एक्स्ट्रा रख देते हैं पिलो केस, क्योंकि वॉश करते हैं तो ये लगे नहीं रहता, तो पापा बहुत ज़्यादा डांटते हैं। हमारे घर में पापा को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मतलब बेडशीट लगे रहना चाहिए, पिलो का केस लगे रहना चाहिए और हर चीज़ क्लीन रहना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा डांटते हैं। तो यही पे मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।